हैप्पी बर्थडे खान साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ में अलन खान वसई के जाने माने हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज इनकी कानूनी सालगिरह है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से इनको अपनी सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। जिंदगी के 50 साल से अधिक इनके पूरे हुए, 51 वर्ष पूरे हुए और इस 51 वर्ष में इनके कई काम हैं जिनकी गिनतियाँ शायद भी किसी को मालूम होंगी। इतने सामाजिक काम से सरोकार इनके रहे हैं। वसई अंतर्गत खासकर वसई पश्चिम क्षेत्र शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे अलन खान, जो कि अलन खान को न पहचानता। आज यहाँ पर वसई के बाबोला में इनका बर्थडे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, बर्थडे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ आज यहाँ वसई के बाबोला में वसई ढाबा होटल पर यहाँ इनका बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर वसई के पूर्व महापौर नारायण भानकर और उनके साथ पूर्व सभापति नगर सभा आखिर में आए, उनको बधाई देने। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के पर्यावरण विभाग के महाराष्ट्र अध्यक्ष अमीर वर्तक आए, जिन्होंने बधाई दी। और बाकी पूरी KGN वेलफेयर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन जो है उनके सभी सदस्य गण यहाँ मौजूद हैं। कई सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इनको आज इनके 51वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। हम सभी जानते हैं, जैसा मैंने अभी कहा, कि सामाजिक कामों से इनका काफ़ी बड़ा सरोकार रहा है, जिसने खासकर इनकी जो एम्बुलेंस सेवा है वह काफ़ी सराहनीय है। हमेशा हर समय 2012 से इनकी एम्बुलेंस जो है फ्री सेवा है। जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बिल्कुल किसी शुल्क के बगैर मुंबई तक जाना हो तो इनकी एम्बुलेंस सेवा तैयार रहती है, तत्पर रहती है। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा कैपेबल है और वो अपनी खुशी से कुछ पैसा दे तो संस्था वो भी लेती है। जैसे मैंने संस्था का नाम बताया अभी, तो संस्था के सिरमौर है कलन खान, और वही इन्हीं कलन खान से इंस्पायर होकर संस्था के हर एक सदस्य ये सोचते हैं कि हम भी कलन खान ही हैं। संस्था का हर एक सदस्य, KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य खुद अपने आप में कलन खान है और खुद अपने आप में KGN वेलफेयर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का एक कर्ता धर्ता है। आज इस मौके पर एक बार फिर से हम इनको मुबारकबाद देते हैं। हमारे मित्र बड़े भाई KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और नवघर मणिकपुर जो वसई स्टेशन की जो परिसर है, यहाँ पर सभी लोगों को मददगार, किसी भी चीज़ में अगर किसी को मदद चाहिए तो वहाँ पर पहुँचने वाले। अलन खान साहब का आज जन्मदिन है, आज के ये दिन में उनको ढेर सारी जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे अजीज दोस्त कल्लन खान, इनका बर्थडे है और इन्होंने इनवाइट किया हमको, हम सभी साथी इनके साथ में जो रोज़ाना सोशल एक्टिविटी में काम करते हैं, हम सब हाजिर हुए इनके बुलाने पर। और कल्लन भाई के बारे में क्या बताऊँ, वो माशाल्लाह जो है बहुत कुछ काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, KGN वेलफेयर चलाते हैं, उनकी खुद की जो एम्बुलेंस है उसके अंदर भी लोगों को मदद करते हैं, कोरोना काल में भी लोगों की बहुत मदद की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनकी अच्छी सेहत दे, ये हम दुआएं करते हैं उसके लिए। हमारे KGN सोशल वेलफेयर के अध्यक्ष सदर जनाब माननीय कल्लन खान साहब का आज 51वां बर्थडे है और ये धूमधाम से इधर मनाया जा रहा है। लेकिन इसके पहले से तो हम लोग ने जो कार्य अभी जो इसका किया, इसकी स्थापना की सन 2012 से, तो अब तक हम लोग चल रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की सराहनीयत भी मिल रही है, लोग इसको मान भी रहे हैं। स्कूल के बच्चों को किताबें हो या कहीं कोई आफत विपदा आई तो वहाँ पे जाके मदद करना हो, जैसे हम लोग सांगली में भी गए थे, वहाँ पे राशन वगैरह लेके गए थे और कोविड में भी काफ़ी काम किया। खास करके हमारे कल्लन भाई ने जान की
परवाह न करते हुए इतने लोगों को पहुंचाया, हॉस्पिटल में पहुंचाया, उनकी जानें बचाई। और सब लोग बोलते थे कि हम लोग को भी कोविड हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बाकी सारे काम तो करते रहते, हिंदू मुस्लिम सब जुड़े हुए लोग इसमें। और उन ऐसे हमारे महान कल्लन खान का आज 91वां बर्थडे है, अल्लाह उनके उम्र में इजाफा दे और उनको अल्लाह हज़ार साल जीने की, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और काफ़ी मेरी तरफ से मुबारकबाद, हमारे पूरे KJN के मेंबर्स की तरफ से इनको मुबारकबाद। मैं एक KJN सोशल वेलफेयर का एक संगठक हूँ। मैं जो मुझे ऑर्डर मिलता है या जो मुझे बोला जाता है, मैं वैसा काम करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। सामाजिक एक्टिविटीज़ होवे, सोशल एक्टिविटीज़ होवे, कोई भी ऐसा अदर काम है, जैसा कि कोई, जैसा अभी थोड़ा टाइम पहले रमज़ान में हमने इफ्तार पार्टी रखा था, माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष, वो आए थे। तो हम एक काम करते हैं, जैसा हमको मिलता है और बोला जाता है, हम उस पर अमल करते हैं। खान साहब के बर्थडे के मौके पे हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सभी लोगों की दुआ चाहते हैं खान भाई के लिए, आप सभी लोग दुआ कीजिए खान भाई के लिए, हम भी दुआ करते हैं। माननीय KJN वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्लन खान का 91वां जन्मदिन है, और हमारे सब जितने भी ग्रुप वाले हैं KJN वेलफेयर एसोसिएशन के समाज सेवक, सबके तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं हम लोग। और इंशाल्लाह आगे भी मैं दुआ करता हूँ कि अभी 92वां जन्मदिन आए और सब लोग ऐसी खुशी, हंसी खुशी से जन्मदिन मनाएं। आज अपने KJN वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्याण खान 91वां वाढदिवस है, हमें वाढदिवसा हार्दिक शुभेच्छा। आणि शिवशक्ति मित्र मंडळ यांच्याकडून पण त्यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। दोस्तों, मैं KJN वेलफेयर एसोसिएशन का मेंबर हूँ। आज हमारे खान भाई का 51वां जन्मदिन है और आज हम इनको काफ़ी हार्दिक शुभकामना देना चाहे बर्थडे की देना चाहते हैं। और आज यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, जैसे कि मानकर साहब हो गए, समीर वर्तक साहब हो गए, काफ़ी जन आए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी बर्थडे की, और हमारी तरफ से भी, सब ग्रुप की तरफ से भी इनको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या तारीफ करो कल्लन भाई के बारे में, तारीफ के तो मोहताज है नहीं। बड़े भाई है, KJN वेलफेयर के करता धरता मैं मेंबर, जो कुछ भी बोलूँगा छोटा ही रहेगा, लेकिन इन जैसे आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं। अपनी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो लोगों की खिदमत के लिए सपोर्ट कर दी है, तो इस पे बोलने जैसा कुछ है नहीं, कौन नहीं जानता इनको। बड़े भाई हैं, किसी के बाप हैं, किसी के हर कुछ है, ये समाज के लिए, दुनिया के लिए, इस देश के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं, लोग जानते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महाराष्ट्र पुलिस, ये मैं इनको तकरीबन 20 साल से जानता हूँ, अपने सन 20 साल से इस शुरुआत करके आज इनका जन्मदिन है, ये 51 साल के हो चुके हैं। उन्होंने सोशल वर्क के अंदर एम्बुलेंस लेकर है, सोशल वर्क के अंदर उनको मदद किया है, और आज भी ये सब लोग मदद करते हैं, इनके लिए उनको हर बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन मुबारक। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।